हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक बहुत बढ़िया खबर होने वाला है, क्योंकि जो लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम दिया था उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया एक सुखबर चला आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा डिटेल कि क्या बिग न्यूज़ यहाँ पर छपा है, उसका डिटेल्स क्या क्या है, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आया है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट 2018 टू 2019 में इसका निकला हुआ है। रेलवे ग्रुप डी रिटर्न एग्जाम हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आफ्टर 3 मंथ्स। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 मंथ्स के बाद इसका जो ग्रुप डी के रिटर्न एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया है। एग्जाम वॉज स्टार्टेड 17 सितंबर एंड कंप्लीटेड ऑन 17 दिसंबर। तो दोस्तों, 17 सितंबर में चालू हुआ था, 17 दिसंबर इसको खत्म हो गया। दिस वॉज ऑन द लार्जेस्ट एग्जाम ऑफ एनी इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब रिक्रूटमेंट। तो ये था गवर्नमेंट या प्राइवेट रिक्रूटमेंट के सबसे बड़ा एक एग्जाम। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है अराउंड 65% ऑफ टोटल एप्लीकेंट वाज अपियर इन द एग्जामिनेशन एज पर द रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो यहाँ पे 65% जो अपियर हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के टोल्ड दैट द ग्रेट सक्सेस रेलवे ब्रॉड इन द रिक्रूटमेंट बोर्ड लार्जेस्ट एग्जाम और कंप्लीटेड सक्सेसफुल अराउंड 1.72 करोड़ स्टूडेंट हैज बीन अपियर इन द एग्जाम एंड नाउ वेटिंग फॉर द रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रेलवे ग्रुप डी लार्ज नंबर कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज इन्फॉर्म रिक्रूटमेंट बोर्ड टू पब्लिश टू रिजल्ट फास्टली फॉर रिटर्न एग्जाम एज फाइनल रिजल्ट टू बी डिक्लेयर सूनेस्ट। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन हैज इन्फॉर्म ऑल ऑफिशियल टू पीयूष टू पब्लिश आंसर की विद इन 2 वीक्स फ्रॉम नाउ। बोर्ड विल बी पब्लिश द आंसर की विद इन 2 वीक्स ऑफ टाइम नाउ गिवन अराउंड 5 डेज टाइम टू फिल अप ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ आवर स्टूडेंट देन फाइनल आंसर की विल बी अपडेटेड इन आफ्टर 1 वीक ऑफ ऑब्जेक्शन क्लोजिंग। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो डिटेल दिया है कि 5 दिन के अंदर हम यहाँ पे जो कि इसका जो आंसर की है यहाँ पे निकल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे भी बोला गया है 2 वीक्स के अंदर यहाँ पे आपको इसका जो आंसर की इसको आपको पब्लिश करना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल की है कट ऑफ डेट लास्ट डेट ऑफ लास्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेयरमैन ऑल्सो टोल्ड द नॉर्मलाइजेशन विल बी अपील इन ग्रुप डी रिजल्ट फॉर द ऑल जोन्स। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लिखा है जो स्टूडेंट विल बी कॉल फॉर फिजिकल, उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 2 to 3 times कैंडिडेट फॉर द नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी विल बी कॉल्ड इन फिजिकल डिपेंड ऑन मिनिमम मार्क्स एलिजिबिलिटी टू पास द एग्जाम एज द गिवन इन इनफॉर्म्स। तो दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल जो जो रिटर्न टेस्ट में कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद ही यहाँ पे फिजिकल के टेस्ट के लिए 2 to 3 times कॉल किया है टोटल वैकेंसी के लिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 में, जो कि लिखा हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 विल बी अपडेट सून है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे इसका जो डिटेल्स यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो आंसर की है बहुत जल्द ही यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।